गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पा बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बता। विचार करिए परमात्मा ने जो सुंदर शरीर दिया है इसमें एक एक अंग की इतनी सुंदर तब बनाकर घड़ के और ये महसूस करना चाहिए क्या ये सारे अंग संसार के कार्यों के लिए भी हैं या कुछ भगवान के लिए भी हैं। क्या कभी आपने अपने पांव से पूछा ये पांव केवल संसार के बाजारों में मद्रालों में ही घूमता रहा या किसी सदगुरु के पास भी चल कर गए? कहीं धामों में तीर्थों में भी आपने भ्रमण किया या संसार के तो चक्कर काटता रहा? सुंदरदास जी के पास जो सदगुरु दादू साहब के उच्च कोटि के शिष्य थे उनके पास जब सत्संग श्रवण करने के लिए आत्माएं आती भी तू सत्संग में नहीं आया, इतने दिन हो गए दर्शन नहीं किए, सत्संग नहीं सुना, सेवा करने नहीं आया जी, काम हो गया था, समय नहीं मिला। तो सुंदरदास जी कहते थे पाम दिए चलने फिरने को, हाथ दिए कुछ सुकृत करो, कान दिए सुनिए हरि के यस, नैन दिए तिन मार्ग दिखायो, नाक दई मुखड़े की शोभा, जीभ दिए हरि को गुण गायो, सुंदर साज दियो परमेश्वर, पेट दियो पर पाप लगायो। सब क्या शिकायत करते, महाराज जी ये जो पेट है ना ये पापी है, इसके लिए नौकरी पे धंधे पे व्यापार में सब करना पड़ता है। तो सुंदरदास जी कहते पूछो पांव से क्या कभी धामों में संतों के पास चल कर गए? अपने हाथों से पूछो केवल संसार के धंधे ही करते रहे या हाथों से हिंसा करते रहे या किसी सदगुरु के चरण भी दबाए हैं या जाकर सेवा करी है? अपनी आंखों से पूछो संसार के ही दृश्य देखकर विषों का घर बना लिया या किसी संत के भी दर्शन किए हैं, किसी गुरु के दर्शन किए हैं, मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं? पूछा करो अपनी जीव से संसार के लिए ही बक बक करती रही, निंदा चुगली करती रही या कभी हरि का भी यश गाया? पूछिए अपने कानों से कि संसार की ही बातें सुनते रहे या कभी हरि का यश भी सुना, सुंदर वाणी भी सुनी? पूछिए अपने नाक से कि संसार की ही सुगंधि में घ्राण में ही फंसा रहा या कभी भीतर की सुगंध भी ली, संतों के शरण में जाकर भी सुगंध ली? नाक दियो, सदगुरु कहते हैं मुखड़े की शोभा, उस परमात्मा का शुक्र करो, ये पूरा मुंह बना देता, आंख भी लग गई, सिर भी, सब कुछ ऊपर भौंहें लगा दी, फिर माथा है, फिर बाल है, कितने सुंदर हैं होठ, इतने सुंदर दांत, कान, कितने सुंदर अंग गढ़ दिए। तो क्या कभी विचार किया? और फिर सारे आदमी बैठ कर सुंदरदास जी कहते जी पापी पेट के लिए कर रहे हैं। भी सारे पाप इस पेट में क्यों हैं? क्योंकि जब व्यक्ति कुछ भी करता है सब कुछ भर जाता है, व्यक्ति का पेट नहीं भर पाता है, रोजाना भरता खाली हो जाता है। अब वो चाहे धन से भर लो, चाहे भोजन से भर लो, किसी चीज से है। तो इसलिए सदगुरु जी कहते हैं कबीर ते दिन गए अखारती, संगत भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। वो सारे के सारे जिंदगी के दिन व्यर्था चले गए, अखार्त चले गए, जब संत की संगत नहीं मिली। प्रेम बिना पशु जीवना, प्यारी आत्माओं एक तो आपका संसारिक प्रेम है, ये मोह है, प्रेम नहीं है, ये जाल है आपको बांधने वाला। प्रेम तो परमात्मा का है जो जाल को तोड़ने वाला है। अरे उस प्रेम के बिना जो जीते हैं वो पशुवत जीवन होता है। संगत सदगुरु, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत, परमात्मा की भक्ति के बिना भी ये जीवन वृथा चला गया। इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं कबीर राम नाम जाना नहीं, पाला कुटुंब परिवार,
ते नर कैसे जाएंगे साईं के दरबार। सब कह रहे हैं हम भी जाना चाहते हैं भगवान के दरबार में, जाएंगे कैसे, परमात्मा का नाम तो जाना नहीं, परिवार कुटुंब में ही लगे रहे। क्यों कबीर लग चौरासी धार में बया जाए संसार, संत तमाशा देखते हरि जपते बारंबार। अब किसी जगह सुन पूछ लिया सदगुरु, आप भी तो संसार में हैं और हम भी संसार में हैं, आप कह रहे हो कि चौरासी में फंस रहे हो, फिर चौरासी में आप किस लिए आए। सदगुरु मुस्कुरा कर कहने लगे भी तुम बहते जा रहे हो, हम तो तमाशा देख रहे थारा, हमने नहीं बंद नाला कोई भी, संत तमाशा देखते हरि जपते बारंबार। हम तो भी भगवान का नाम जप रहे, कितने बैठा दो, घर में बैठा दो, तो जंगल में बैठा दो, क्यों सदगुरु तो बंदी छोड़े हैं, वो तो धुर धाम से आए हैं, उनको कोई बांधने वाला नहीं है, इस तमाशे में तुम फंस गए। तो सदगुरु कहते हैं इस तमाशे से निकालने के लिए मैं तुम्हें संसार में आया हूँ, भगवान को जान लो, परमात्मा को। तो उन्होंने कहा जी परमात्मा की थे फिर कहाँ ढूंढे। तो कबीर साहब कहने लगे तुमने तो ये कर दिया, वो पेड़ न्यू पूछने लग गया, इतना बड़ा बटका विशाल पेड़ होता ना कितना, और ऐसे ऐसे भी पेड़ हैं जो कई किलोमीटर में फैले हुए हैं, वहाँ पे जहाँ तत्वा जीवा को मिले थे ना सतगुरु, और वह सुख की डाली टांगी थी, वो कई किलोमीटर में फैल रहा है भटका पेड़। पीपल के आप देखना जड़ें डाडी हो के कितना फैल जाता। तो एक दिन उस बट ने नहीं सोचा मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा बीज किस है, मैं कितने बड़ा हूँ, तो बीज सबसे नीचे और कितना हो है छोटा सा। तो उसको बताया कि तू इस बीज में छिपा हुआ था, वो हैरान हो गया, क्यों तो इतना सा कति राई जैसा दाना, और मैं इसमें था, और बीज यूं को है कि इतना बड़ा मेरे से कैसे निकला। तो कबीर साहब कहने लगे सारे जीव पूछ रहे हैं कि परमात्मा जो विशाल है वो कहाँ है। तो कबीर साहब कहने लगे कबीर वृक्षा पूछे बीज को, बीज वृक्ष के माही, जीव जो ढूंढे पीव को, पीव जीव के माई। कहते हैं वृक्ष पूछने लग गया बीज को कि मैं कहाँ से निकला हूँ, लेकिन बीज वृक्ष के माई उस पेड़ में ही होता है। ऐसे ही हम सब जीव परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पीव जीव के अंदर ही है, लेकिन भाई है कहाँ, दिखाई तो ना देता, लेकिन लकाट के आँख्या मत है, कान्ना मत है, कितने तक काटो भगवान काट के दिखाओगे, ये रहा मुंह में से काट के दिखाओ, सिर मत काट के दिखाओ, है कहाँ, बैठा कहाँ है। तो एक दिन गरीबदास महाराज भी बैठे थे, उन्होंने कहा भी भगवान की भक्ति करो, उसको पाओ, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो उस जिज्ञासु ने गरीबदास महाराज से कहा भी है कहाँ फिर वो परमात्मा। तो गरीबदास महाराज भी यही फरमाते हैं, गरीब पानी ही से पातला पोहब गंध का गात, कहाँ जिज्ञासा दीजिए चेला पूछे बात। जिज्ञासा कर रहा था, एक चेला बैठा था गरीबदास महाराज के आगे, वो जिज्ञासा कर रहा था। तो सदगुरु कह लेंगे पानी से भी पतला, अब सबसे पतला क्या है ध्रुवों में, पानी होता है। पोहब गंध का गात, अब भगवान का गात किसा है, जैसे फूल में खुशबू, अब बताओ गात किसा है। खुशबू को आप देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान का गात किसा है, हमारे जैसा स्थूल नहीं है कि यू दिख है, यू पिंड बैठा, ये हाथ, ये कोहनी, यू माथा, ये सर, ऐसा नहीं है। वो तो जैसे फूल में खुशबू अनुभव करते हैं, ऐसे ही अपने भीतर महसूस होता है। तो गरीबदास महाराज से कहा कि फिर कैसे महसूस करें जी, किस तरह दिखाई दे, हमारे में रम्या हुआ कैसे है जैसे फूल में खुशबू है। तो सदगुरु जी फिर प्रमाण देते हैं, गरीब हाड़ चाम की देह में दूध रतन सर्वंत, गरीब दास गट पिंड में ऐसे है भगवंत। ये सारे के सारे भ्रम दूर कर रहे हैं, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे दिखाई देगा, कैसे मिलेगा। हाड़ चाम की देह में दूध रतन सर्वंत, आपने देखा ये भैंस गाय दूध देती हैं, है ना, अब दूध है कहाँ बताओ, यो नहीं है कि इसकी लोटी में बाल्टी भरी है और फिर आप काट लो खींच के, ऐसे नहीं है। जब जैसे ही संध्या होगी उसका बछड़ा लगाओगे आप, तो क्या होगा, उस ममता में प्रेम में आके गाय भैंस पोस जाए,
क्यों भाई किसान बैठे हैं यहाँ पर? संध्या होती या सुबह होती है, धारों का टाइम होता है तो बछड़ा छोड़ते हैं। बछड़ा छोड़ते ही खुट्टे से गाय के अंदर ममता, प्रेम, अपनापन जगता है, और जैसे ही उसके थनों के पास लगता है तुरंत उसके पोष जाते हैं, उसमें दूध आ जाता है। उसने बेचारे ने थोड़ा सा देकर और हम बाल्टी में निकाल लेते हैं। ऐसे ही माताएं हैं, किसी भी कुंवारी कन्या के दूध नहीं उतरता, लेकिन जैसे ही उसको बच्चा पैदा होता है और बच्चा भूखा है, रोने लग जाए, तुरंत तुम्हारे मन में क्या आता है, इसको दूध पिला दो। जैसे ही आप उस बच्चे को छाती के पास लाती हैं तो आपके अंदर दूध उतरने लग जाता है। ऐसा नहीं कि भी आपके मांस को काट के देखा जाए दूध कहाँ है, गिलास भरा, कटोरा भरा, ऐसा नहीं है। हाड़ चाम की देह से वो जो ममता है, जो प्रेम है माताओं, वो उस खून से सतन के पास आते ही वो दूध में डाइवर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इतनी बड़ी, इतनी रहस्यमयी मशीनगरी परमात्मा ने अंदर फिट कर रखी, कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाया। ये परमात्मा सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, खोज नहीं पाया दूध से, खून से दूध कैसे बनाना है। तो भैंस गाय में, बकरी में, घोड़ी में, इसमें तार दिया, माताओं में आ गया। तो सदगुरु कहते हैं हाड़ चाम की देह में दूध रतन सर्वंत, ये भैंस ने काटो, गाय ने काटो, हाड़ मिल लेंगे बेचारी में, अरे खून मिल लेगा, आते मिलेंगे, लेकिन दूध निसरता है। गरीब दास गठपिंड में ऐसे है भगवंत, ऐसे ही अपना शरीर चीर कर देखो, हाड़ मिलेंगे है ना, मज्जा मांस मिलेगी, कुछ और थोड़ी नस नाड़ियां मिल जाएंगी, भगवान नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता तो डॉक्टर रोजाना पता नहीं कितने शरीरों का पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। जब भी किसी का पोस्टमार्टम करना हो, एक एक अंक ऐसे चीर कर देख लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं मिला, भगवान कहाँ पर है। लेकिन संतों ने विद्या बताई भीतर जाने की, उनने बताया परमात्मा कहाँ पर है, कहाँ बैठा है। तो इसलिए सदगुरु जी कहते हैं इस हाड़ चाम के परे से एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें सुरती के द्वारा जाया जाता है और वहाँ परमात्मा है, वहाँ तुम्हारा मिलन होगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन हम कैसे अज्ञानी हैं, भगवान मिल जाए वहाँ, उस मंदिर में ढूंढ के आऊँगा, वहाँ ढूंढ के आऊँगा, उस तीर्थ पर मिल जाएगा, ये धोकने से मिल जाएगा, ये पूजने से मिल जाएगा। घट ही पूजा, घट ही आत्म देव, अपने अंदर ही करनी है आपने, लेकिन विधि सदगुरु बताएंगे। तो इसलिए कबीर साहब से भी आकर कहते थे जी कहाँ ढूंढे परमात्मा को, तो कबीर साहब कहते तुमने तो वही बात पूछ ली, मछली कहने लगी प्यास लगी है, पानी कहाँ है, अब बताओ कहाँ पानी, पानी में तो है मछली, उसी में पैदा हुई, इसके बाप दादा सारे, मछली का पूरा खानदान जल में पैदा होता है, खप जाता है, और दिन रात उसी में रहती है, ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, दाएं भी पानी, बाएं भी पानी, और फिर पूछती है पानी कहाँ है। तो वहाँ कबीर साहब ने ऐसे जिज्ञासु बैठे थे, एक भजन सुनाया कि जैसे मछली पानी में रहकर भी प्यासी है, ऐसे ही मुझे सारी सृष्टि के लोग परमात्मा में ही तो पैदा होते हैं, उससे ही में ही लीन होते हैं, फिर भी पूछ रहे परमात्मा कहाँ है, क्योंकि दृष्टि नहीं है। आइए मेरे साथ उनकी वाणी गुनगुनाइए, कबीर साहब ने जो उपदेश दिया। पानी में मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवे आसी, साधो देखो पानी में मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवे। कबीर साहब कह, मेरे को तो हंसी आती है भाई, जैसे मछली पूछे पानी की तरह, क्यों? कबीर साहब तो भी परमात्मा बने बैठे थे, समस्त सृष्टि में परमात्मा दिखाई देता था। पानी में मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवे आसी, साधो देखो पानी में मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवे। आत्म ज्ञान बिना नर भटक है, कोई मुथरा कोई काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटक है, कोई मुथरा कोई का ही, जैसे मृग ना भी कस तूरी, जैसे मृग
ही बण बण फिरे उदासी मोहे सुन सुन आवे आसी ई पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे ई जल बीच कमल कमल बीच कलिया तापर भवर निवासी जल बीच कमल कमल बीच कलिया तापर भवर निवा सोई मन वस तरी लोक भयो है सोई मन वस तरी लोक भयो है यति जति सन्यासी मोहे सुन सुन आवे आसी पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनि जन सहस अठासी जाका ध्यान धरे विधि हरि हर मुनि जन सहस अठासी वो तेरे घट माही विराजे वो तेरे घट माही विरा परम पुरस अविनाशी मोहे सुन सुन आवे आसी पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे ई है हाजर पर दूर बतावे है दूर की बात निराशी हाजिर पर दूर बतावे है दूर की बात निराशी कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई गुरु बिना भरम न जासी मोहे सुन सुन आवे हासी पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे आसी पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे आसी साधो देखो पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे सदगुरु जी कहने भी हंसी भी आती है। अब वो तो जानी जानते हम अज्ञानी हैं तो सदगुरु जनाने के लिए आए थे। कुछ उस समय पवित्र दिव्य आत्माएं थी सदगुरु कबीर साहब को समझ लिया उनके शिष्य बने साधना में लग गए 64 लाख शिष्यों की जमात हो गई थी। रामानंद से लक्ष गुरु तारे शिष्य के भाव सदगुरु ने लाखों को पार किया और चारों युगों में आए और बेचारे देखो अगतारा लेके गांव गांव नगर नगर जंगल जंगल में घूमे कोई प्यारी आत्मा मिल जाए न बोले अगर प्यारी आत्मा है तो नीचे पताल में भी जाकर ढूंढ लो स्वर्ग में से भी निकाल लाऊं गोता मारूं समुद्र में कहते हैं उसमें भी गोता मार के अपनी हंस आत्मा को निकाल लाऊं। तो सदगुरु घूम रहे थे उस समय प्रतिष्ठा हो गई तो दिल्ली में सिकंदर लोधी का राज था। जब ऐसी पूरे इस भरत खंड पे राम नाम की धुन बजने लगी आदिवासी इलाकों में भी सदगुरु कबीर साहब की बाणी याद कर ली 52 लाख बाणी होगी कितनी 52 लाख हमारे सदगुरु की बाणी कितनी है 24,000 अब बताओ कितने एरिया में कदरी जागी 52 लाख बाणी कितने ग्रंथ छप जाएंगे। शेख तकी ने के धरती पर राम नाम का डंका बजा दिया कबीर साहब ने तो हमारे धर्म को तो कोई पूछेगा नहीं अरे हमारे धर्म के सारे कबीर साहब के पास जाने लगे क्योंकि सदगुरु भ्रम दूर करते थे कुल का मालिक एक है
चाहे रब कहो, अल्लाह को, खुदा को, राम को, रहीम करो, कहो, ये तो कहने में ही भेद है, बाकी एक ही है। सिकंदर बादशाह को सिखा के और 52 लाख बाणी गंगा में डुबो दी। आप ये बताओ कितना ज्ञान का अथा भंडार भरा होगा, क्या क्या लिखा होगा सदगुरु ने, इतनी बाणी मैं रची जितना बालू रेत, और इस 84 के जीव के एक न आई हेत। नु बैठ बैठ समझा करते सदगुरु इतने प्यार से, फिर भी किसी के दिमाग में नहीं आई, और कितना समय लग्या होगा लिखने में और बोलने में 52 लाख बाणी में, और एक मिनट में गंगा में डुबो दी। ये बाणी तो बाद में फिर लिखित की गई है सदगुरु जी की, और ये सारी की सारी खुरापाती थी शेख तकी की, जो उनका पुरोहित था सिकंदर लोदी का। तो हमेशा सदगुरु की परीक्षा करवाता रहा, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या थी कि तन्ने कोई नहीं पूछेगा। और तो कबीर साहब की निंदा और बुराई करते रहते, तो कबीर साहब तो हमेशा उनको चमत्कार करके आ जाते। तो उस समय दिल्ली में थे, सिकंदर लोदी ने बुलाया था, कबीर साहब भी थे, और वो हर परीक्षा में हार गया। तो जब सिकंदर के पास से अपने घर आने लगा तो देखा शेख तकी की पत्नी जोर जोर से छाती पीट कर रो रही है। उसने पूछा भी क्या हो गया, उनके गली मोहल्ले के भी सब उनके घर जा रहे हैं। कहने लगे जो शेख तकी की बेटी थी ना एक कमाली, वो मर गई, और उसने इसका पिताजी तो गया हुआ था बाहर, और उसने दफनाने के लिए शमशान में ले गए हैं, गड्ढा खोद के नीचे दफनाते हैं, और वो रो रही बेचारी। तो शेख तकी शमशानों में गया मरघट में, तो उस पर मिट्टी डाल दी गई थी कब्र में, बस आखिरी 5 आदमी मिट्टी डालना रह रहे थे, गड्ढा इतना सा भरने में रह रहा था, बाकी बहुत गहरा खोद के वहाँ नीचे दबा दिए। तो देख उसके मन में उस समय भी ये दुष्टता आई कि यू आखिरी मौका हो रहा है कबीर साहब की परीक्षा लेके देख लो। राजा ने कह के कि मेरी बेटी मर गई, अगर तेरे में शक्ति है, तू राम है, अल्लाह है, खुदा है, तो मेरी बेटी को कब्र से जिंदा कर दे। मतलब ऐसे समय भी सदगुरु की परीक्षा लेनी चाहिए, उसने तो उसकी कैसी दुष्ट बुद्धि होगी। और सिकंदर लोदी के पास भाग्या गया, कहने लगे जो राम नाम का डंका बजा रखा है ना, और सब हिंदू उनका गुणगान करते हैं, एक बार फिर बुलाओ कबीर साहब को, और मेरी बेटी मर गई, उसने जिंदा कर दे तो मान लेंगे कि ये अवतारी पुरुष है, कोई सतपुरुष है, धरती का पैगंबर है ये। कबीर साहब को बुलाया गया, कल लगे आप में शक्ति तो है, मेरी बेटी गुजरगी, उसने जिंदा कर दो, उसका नाम कुछ और था। तो कब्रिस्तान में ले गए, मिट्टी डल चुकी थी, लोग वहाँ खड़े थे। तो कबीर साहब जाकर कहने लगे, हे शेख तकी की बेटी, कबीर साहब की आवाज सुन और इस मिट्टी से बाहर आ जा, पुनः इस शरीर को धारण कर। लेकिन कुछ हलचल नहीं हुई, तो उन्होंने कहा भी ये तो जीवित नहीं होगी। कहने लगे नहीं होगी तो फिर इसका मतलब तेरे अंदर झूठ है, शक्ति नहीं है कुछ भी। कबीर साहब ने सोचा देख कैसे समय भी परीक्षा ले रहा है। कबीर साहब ने अपना दायां हाथ आकाश की तरफ उठाया और उठाकर उस आत्मा को पुकारा जो शरीर से निकल गई थी, और पुकार के और कहने लगे, हे कबीर की बेटी, जो भी तेरी आत्मा है पुनः शरीर में आकर प्रवेश कर रहे। यूं कहा और आकाश से एक प्रकाश पुंज उतर के और उस कब्र में जो मृत शरीर पड़ा था सबने देखा जो उड़े खड़े थे, उसमें प्रवेश किया। और जब आदमी जिंदा होगा तो हल्लेगा, तो कहने भी मिट्टी हटाओ, जब हटाई तो वो तो बैठी होगी। देखा कहाँ तक रो रहे थे कबीर साहब खड़े हैं, उन्हें प्रणाम किया, और शेख तक कि उसकी माँ परिवार सब मोहल्ला खुश हो गए, अगिया तो जिंदा होगी, सच में ही तो बहुत बड़ा फकीर है कबीर, तो हम तो वैसे ही परीक्षा ले रहे थे। तो उनके घर वाले, उनकी माँ, उनके पिताजी कहने लगे, चल बेटी घर चल, नवलीब कौन सा घर है, मतलब तुम्हारी बेटी थी मर गई, मिट्टी में ला गए, मेरी मट्टी होगी थी ना, अरे माटी में गिर गए, तो तुम्हारी बेटी थी तो माटी में ला गए, लेकिन जिसने जीवन दिया है ना, अब मैं उसकी बेटी हूं, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो सदगुरु के साथ जाऊंगे। उसकी माँ कोली रो, कहने की बेटी ना, हम तो मुसलमान हैं, ये तो हिंदू है, और वहां नहीं जाना, तेरी छोटी उम्र, और पीछे से बेचारी पति के द्वारा वो परित्यक्ता थी, त्याग दी गई थी, अब माता पिता के आश्रय ही अपने पीर में रह रही थी वो,
मुल्तान में उसका विवाह हुआ था, लेकिन आदमी वो अच्छे नहीं थे तो कमाली वो अपने घर आ गए थे उनके बेटे, तो वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन उससे पहले भी उसने कबीर साहब का कई बार दर्शन किया था, पर उस भाव से नहीं कि ये कोई सतगुरु है, ये कोई शक्ति है। आए तो थे कई बार, पर जैसे होता है ना अनदेखा कर दिया, भी बहुत आते रहते हैं, लेकिन मेरा पिता तो सब मुल्लाओं का बड़ा गुरु है, पुरोहित है, तो कई बार नजर पड़ी थी लेकिन उस दृष्टि से नहीं देखा था, ना कभी झुकी थी। वो तो सोचती थी मैं पूरे हिंदुस्तान के राजा सिकंदर लोदी और मेरे पिता उसके गुरु हैं। फिर उसने कबीर साहब के चरण पकड़े कि जिसने जीवन दान दिया है मैं तो उसके चरणों में रहूंगी। उसकी माँ कहने लगी, ना बेटी घर चाल, तेरा दोबारा विवाह करेंगे, श्रृंगार होगा, बरात आओगी, हैं। और कहने लगी, माँ मैंने तो कुछ नहीं श्रृंगार, कहने लगी हासिल ही डाल लूंगी तेरे, दे ये माता है ना बांधने खातिर ये लालच दिया करे। नो बोली इतने मोटे मोटे गहने धरे हैं, कड़ूले धरे, हार जालरे धरे बेटी, गहने धरे और हासिली डालूंगी। सही बता रही हूँ, उसने हासिली कहा। तो कमाली कहने लगी, माँ घेरा नहीं की तरफ, हासिली कड़े की हासिली, मैंने तो राम नाम का गहना पहनना है और सदगुरु के पास जाके भक्ति करनी है। तो उसकी माँ का और कमाली का एक वार्तालाप है। वह कमाली अपनी माँ को क्या कह रही है, आप भी श्रवण करिए उनकी वाणी को। कहने लगी, अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ तो कभी भगवान नहीं मिलेंगे, और जिंदा खुदा मेरे सामने बैठे खड़े हैं, और ईब चूकगी तो फिर सारे जन्म बेकार हो जाएंगे, अब नहीं चूकूंगी। माई रे मेरा हरी से मिलन कैसे होए, माई रे मेरा हरी से मिलन कैसे, हरी से मिलन कैसे होए, माई रे मेरा हरी से मिलन हो। जब सतगुरु मारे आंगन में आए री, जब सतगुरु मारे आंगन में आए री, मैं पापन रही सोए, माई रे मेरा हरी से मिलन कैसे, हे माई रे मेरा हरी से मिलन कैसे। ओए शीस ना गुदाऊरी मांग ना भराओ, शीस ना गुदाऊरी मांग ना भरा, कजल न डारूंगी दोए, माई री मेरा हरी से मिलन कैसे होए, माई री मेरा हरी से मिलन। ओए हार ना हसले न डारूंगी दोए, माई रे मेरा हरी से मिलन कैसे हो, ए माई रे मेरा हरी से मिलन कैसे। ओए कह कमाली कबीरा जी की बाली, कहती कमाली कबीरा जी की बाली, गुरु चरणों में रही समोए, माई रे मेरा हरी से मिलन, ओए माई रे मेरा हरी से मिलन कैसे। ओए कैथी कमाली कबीरा थारी बाली, कैथी कमाली गुरु चरणों में रही समाए, माई रे मेरा हरी से मिलन कैसे, ओए माई रे मेरा हरी से मिलन कैसे, ओए माई रे मेरा हरी से मिलन कैसे हो। तो कमाली ने कहा, फिर वहां सब खड़े थे ना, तो उन्होंने कहा भी कमाल कर दिया, एक मुर्दा भी जिंदा कर दी, तो उसका नाम क्या रख दिया, कमाली। तो सदगुरु वहाँ जम गंगा में बहता हुआ एक शव मुर्दा जीवित किया था, उसका नाम कमाल रखा, और कमाली छोटी उम्र के थे और संत मंडली को लेकर सदगुरु काशी की तरफ चल दिए, और ये मुख्य शिष्य रहे। और जगह जगह कमाली ने कहा, कहें कमाली कबीरा जी की बाली, बाली माने बालक बच्ची, तो जगह जगह कहा कि मैं तो उनकी बच्ची हूँ, और मैंने तो सारे रिश्ते मिल गए, तो अपने घर से नाता तोड़ के कमाली सदा सदा के लिए बहुत बड़ी भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग
और इतनी सेवा की कमाली ने अपने सदगुरु की आत्म साक्षात्कार किया और संसार से पार होगी। अब मैं पूछती हूँ बहन बेटियों से, विवाह होता है कितनी तैयारी होती, कभी माताओं से पूछती हो तू बांधने तो जा रही है, कभी मेरे को शिक्षा भी दी है भगवान कैसे मिलेगा, संतों की शरण में कैसे सेवा की जाती, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, पूछा करो, तभी तो महसूस होगा कि हमें जीवन में क्यों आवश्यकता है गुरुओं की। मीरा बाई को जब प्रेम हुआ है ना, सारे बंधनों से भी बांध दी, लेकिन मीरा ने भक्ति नहीं छोड़ी, जहाँ रही परमात्मा की भक्ति की, और इतने कष्ट दिए मीरा बाई को, फिर उसने सोचा रोज ये खाड़ा रवेगा है ना, संतों में बैठने नहीं दे, सत्संग सुनने नहीं दे, बंधन इतने हैं, सात ताला भीतर कर दी, कभी जहर दवे हैं। तो मीरा अपनी मुख्य सखियों के साथ वहाँ वृंदावन चली गई थी, कुटिया बनाकर रहने लगी, और मीरा के भजन सुनने के लिए बड़े बड़े संत और यति सन्यासी आने लगे मीरा बाई के। उस समय मुगलों का हिंदुओं का बहुत बड़ा झगड़ा था, तो बार बार अकबर बादशाह चित्तौड़ पर आक्रमण करता था, इतनी बड़ी बड़ी तोपें और सेना लेके जाता, लेकिन जब तक चित्तौड़ में मीरा थी, भक्ति का प्रभाव था, वो जीत नहीं पाया, वापिस लौट कर आना पड़ता था, सारी सेना खप जाती, बड़े बड़े वीर थे महाराणा सांगा जैसे 80-80 घाव शरीर में, और महाराणा भोज जैसे, रतन सिंह जैसे, लेकिन हरा नहीं पाया। जब मीरा वृंदावन आ गई तो मीरा की चर्चा सुनी, एक दिन आगरा आया हुआ था अकबर, और तानसेन भी गान में बहुत माहिर थे, बड़े बड़े संगीतकार उनका सुनने आते थे, लेकिन मीरा का जब सुना तो तानसेन का भी मुंह लटक गया, क्यों, मैं एक दिल्ली के बादशाह को खुश करने के लिए गाता हूँ और मीरा जगत के बादशाह को खुश करने के लिए गाती है, इसलिए संगीत में अंतर है। तो मन में आया, अकबर कहने लगा तानसेन मेरे को दर्शन करा दे एक बार मीरा का, क्योंकि उसको राग अच्छे लगते थे। कहने लगे नहीं जी, तू तो मुसलमान है और ये तो खड़ा हो जाएगा, ये तो उसी घराने की है चित्तौड़ पे जो बार बार आक्रमण करता है, सेना लेकर जाता है। कहने लगे नहीं, बहुत चर्चा सुनी है, जगह जगह संतों की टोली उसके पद गाने लगी मीरा के, और जो मीरा की सखियाँ थी ना वो पढ़ी लिखी थी, तो वो साथ साथ लिखती थी पदों को, मंगला केसर आदि, मैं का मंगला नाम था, मालती था, केसर था। तो कहने लगे भी वेश बदल ले, फिर तानसेन ने और उसने वेश बदल लिया। उस समय अकबर की आयु रही होगी 20-22 वर्ष की, बिल्कुल युवक था। तो जाकर जहाँ मीरा की कुटिया थी और रोजाना संतों की टोली में बैठती, वहाँ बैठ गए, चोरी से बैठे, और जब राग सुना आंसू पड़ते रहे दोनों के, अकबर के भी तानसेन के भी ऐसा राग नहीं सुना था, लीन हो गए, भूल गया वो अपने आप को, और फिर गले से जो सुंदर मोतियों का हार था चुपचाप चढ़ाने लग गया। मीरा अंतर्यामी भी थी, समझ गई, कहने लगे मेरे ठाकुर को प्रेम पसंद है, इन मोतियों का मैं क्या करूँगी, आप हिंदुस्तान के शहंशाह लगते, हैरान हो गया, मैं तो छुप के आया था। और जब ये बात चित्तौड़ में राणा को पता चली, विक्रम राणा को, वो चिढ़ गया, कहने लगे अच्छा वहाँ जाकर भी यार हमारे शत्रुओं से मिलती, किसी ने उल्टे कान भर दिए, अगर जो तुम्हारे शत्रु हैं ना बार बार चित्तौड़ घराने पर और यहाँ आक्रमण करने आते हैं, वो मीरा तो उनके पास बैठती है, मिलने आते हैं, हो सकता है कोई ऐसी साजिश रची जा रही हो। तो राणा गए और उनको कहने लगे वापिस लेकर आओ, इसने फिर कैद में डालो। तो मीरा ने उस समय भगमा वेश ले लिया था, तो जाकर डांट लगाई उस पर और कहने लगे जबरदस्ती करने लगे वापिस चल फिर चित्तौड़ में। तो वहाँ मीरा राणा को क्या कहती है, मैं तेरा चित्तौड़ छोड़ आई, तेरा धन दौलत छोड़ आई, एक भक्ति के लिए तो आई हूँ, और तेरा देश छोड़ के मैं तो ठाकुर के देश में आई हूँ, अब कहीं नहीं जाना है, तू क्यों मेरे से बैर कर रहा है ना, भक्ति तो कर रही हूँ। तो मीरा बाई क्या कहती है राणा साहब को, राणा जी मोसे क्यों राखो हो बैर, राणा जी मोसे क्यों राखो सो बैर, क्यों राखो सो बैर, राणा जी मोसे क्यों राखो सो बैर, राणा जी मोसे क्यों राखो बैर, तुम तो राणा मने इसे लागो, कहने लगी मन तो तू ईसा लाग है किसा, तुम्हें तो राणा मैंने इसे से ला,
भी होते थे राजस्थान ज्यादा, है ना, वो जो टीट से लगते हैं उसमें कांटे होते हैं बड़े बड़े, और कोई कोमल पत्ता केले का या कुछ आ जाए तो उसका कांटा चीर दे बीजते हैं। कहने की तू तो कति कैर जैसा है, भूडे कांटे ले रहा है और मैं मेरा हृदय केले के पत्ते जैसा कोमल है, कति चीरता जा रहा तू तो। राणा जी मोसे क्यों राखो सो बैर, जी मोसे क्यों राखो सो बैर, मेले अटारी मैंने सब कुछ त्यागा, मेले अटारी मैंने सब कुछ त्यागा, थारा त्यागा बसना सैर, राणा जी मोसे क्यों राखो सो बैर, राणा जी मोसे क्यों राखो सो बैर, मुझसे क्यों राखो हैर, काजल टिकी राणा मैंने सब छोड़ा, काजल टिकी ना सब कुछ छोड़ा, भगवान चादर पैर, राणा जी मुझसे क्यों राखो सो बैर, राणा जी मुझसे क्यों राखो सो अमृत कर दियो जहर, राणा जी मुझसे क्यों राखो सो बैर, राणा जी मुझसे क्यों राखो बैर, क्यों राखो सो बैर, राणा जी मुझसे क्यों राखो सो बैर, राणा जी मुझसे क्यों राखो सो बैर, राणा जी मुझसे लेंगे। तू आड़े भी आ गया और सीधी बोली उस दिन ते भी तेरे राज में थोड़ा हुई, तो भगवान के राज में आ गई, ने बोली तू मनीषा लग गए जैसा कैर काटिया जैसा, तुम भी बोलती होगी ना कई बार, मान लिया आदमी शराब पी का आ जा कि किसके का आग्रो, तो मनीषा लग गए मन मेरा सारा किसके का आग्रो, तो इसलिए मीरा माई ने कह लगी सब कुछ त्याग के आ गई और फिर कपड़ा उठा के बोली सिर्फ चादर ओढ़ रही हूँ भगवान ले जाए, इसने भी क्या करेगा इसका कोना चलती मैं, उस ठाकुर ने कैसे छोड़ दू जिसने जहर के अमृत तो बना दिए, और ये जोड़े हाथ ही बाड़न आइए मैं नहीं चलूंगी, टक्कर मार के वापिस आ गया, मीरा नहीं आई भगवान की आज्ञा से, और द्वारका में जाके और भगवान में समा गई। क्यों, ये संतों का ये परमात्मा का देश ऐसा है, ये काहे पलट देते हैं, गरीब सतगुरु का एक देश है जो बस जाने को ए, कागा से हंसा करे जात वर्ण कुल खोए, कहते संसार में हम तक थी काग थे जी, ना चाल अच्छी थी ना रूप अच्छा था ना बोली अच्छी थी, मंडेरे पर बैठते सबको वे नडा दे है ना, और हंस आ जा कोयल आ जा सब न प्यारी लागे है, कागा से हंसा किए, हंस देखने के लिए देखो मानसरोवर पर जाते हैं, और काग तो सब के घर पर मंडेरा पर बैठे हैं, जो परमात्मा की भक्ति करता है वो संतात्माएं हंस हो जाती हैं और वो परमात्मा के देश में जाकर बस जाती हैं। गरीबदास महाराज कहने लगे अबे तुमने सब न हंस बनाने आए हैं और अपने देश में ले जाने के लिए, अब गामा के आदमी छुड़ाने के आसपास सत्संग सुनने आते, कह लगे जी आपका देश कौन सा, आपका तो यू है हरियाणा यहीं रह रहे हो, कह लगे ना हमारा देश दूसरा है, तो सदगुरु ने पता क्या कहा उनको, चल देखो देश हमारा रे जा कोट पदम उजियारा रे, चल देखो देश हमारा रे जा तत्त सबद झनकारा रे, यहाँ तो सूरज उदय हो गया फिर छिप गया अंधेरा भी हो जाए, हमारा देश तो ऐसा है करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी कुछ नहीं है, ऐसी झनकार उठ रही है सुन सुन के आत्मा इलोरे खाती है। फिर सदगुरु कहने लगे चल देखो देश हमारा रे जा चंद्र सूर्य नहीं तारा रे, चल देखो देश हमारा रे नहीं धर अंबर गहलारा रे, नवा धरती नवा आकाश, बोले अच्छा जी सब भी देश है उड़े धरती भी नहीं फिर पा क्यों कर टकेंगे, लोग बोले कल लगे वहां तो भी अंगम मार्ग है और ऊपर आकाश नहीं तो भी सांस क्यों कर लेंगे, तो सदगुरु कहने लगे चल देखो देश हमारा रे जा अनंत फूल गुलजारा रे,
चल देखो देश हमारा रे, जहाँ घूमत है मतवारा रे। कई शराब भी आके बैठ जा करते, सदगुरु कहने लगे मत पिया करो। अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठ का दे। मत पिया करो, सांस से तो धन खत्म होता है और मनुष्य से पशु जैसा बनाते। अलते आव श्याम न सब शराबी, तो सदगुरु कहने लगे चल देखो देश हमारा रे, जहाँ घूमत है मतवारा रे। इसी पिलाओगे फिर नहीं उतरेगी जन्मों तक। कहने लगे अच्छा वहाँ भी मिलना है जी। कहने लगे ये नहीं, वहाँ अमृत वो तो दूसरी और ही तरह का है। सदगुरु कहने लगे चल देखो देश हमारा रे, जहाँ अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चोर सुहंग मढारा रे। श्वास की साधना से और उस देश में पहुंच जाते हैं जहाँ काल और माया का वासा नहीं है। तुमने साफ सुथरे करके वहाँ मानसरोवर में स्नान कराएंगे। जब पचरंग झंडा पार करके दसवा द्वार खुल जाए, आगे एक मानसरोवर आएगा, उसको होद के सर को सर भी कहते हैं। उसका खुल के वर्णन किया है जयतराम जी महाराज ने अपनी वाणी में। कहने लगे जब मैं होद कोसर के पास गया ना मानसरोवर, अनंत अनंत आत्माएं वहां बैठी थी स्नान करके पवित्र, जैसे तीर्थ पर जाते हो ना भीड़ लगी हो। कहने लगे वहां उन उनके गुरु और उन आत्माओं ने स्नान कर रहे हुए और योगी आत्माएं सब उस मानसरोवर पर बैठी हुई थी। तो सदगुरु कहने लगे सारा ने वहां स्नान कराएंगे। चल सुख सागर असनाना रे, चल देखो देश दीवाना रे। चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अग है देश दिखाऊं रे। वो तो हैरान हो गए जो गरीबदास महाराज के सामने बैठे थे। चाल कर दे देखो हमारे देश में कैसा है, ऐसे ऐसे फूल खिले में कभी नहीं मुरझांदे। अरनु पैर भी ना धरने पड़े हैं, सीधे उड़ कर जाओगे, ना धरती ना आकाश। वो तो ऐसी सुंदर नगरी है जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। और फिर जो और बैठे थे ना, उन्होंने सोची उड़ा मिलती होगी पीने को, तो सदगुरु ने दूसरी बाठी का वर्णन किया, बाठी जहाँ शराब बनाई जाती है। तो सदगुरु ने कहा परमात्मा भी बाटी है उसको, वहाँ भी कलाली की आट है और अम्भर भर अमृत पी रहे हैं। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ बाठी चवे कलारा रे। कलाली बैठा है जैसे यहाँ कलाली शराब वाले तो है, वो तो ऐसा अमृत पिला देगा सब फीका लगेगा जुगो जुगो के लिए और फिर तुम अमर हो जाओगे। कहने लगे जी ये परिवार ने क्यों कर छोड़ रहे हैं, सब कह यू देश छोड़ना पड़ेगा, आपके देश में चलना पड़ेगा। कहने भी एक तरफ मन कर लो, या तो आड़े लगा लो आड़े बंधे रहोगे, या हमारे में लगा लो अगर वहाँ चलना है तो, ये तो दारमदार बाजी है। तो सदगुरु कहने लगे रे मन कीजे दारमदार रे, तुझे ले छोड़ो दरबार रे। बताओ इस मंदिर ने कहा जी आड़े बंध रहा है, माँ में बाप में भाई में धन में इतनी बड़ी कोठी बना ली, ये जमीन बंदरी से न कौन संभालेगा, दुकान पर कौन बैठेगा। सदगुरु कहने लगे यू फिर छोटा खेल नहीं है, कच्चे हो। रे मन कीजे दारमदार रे, ये तो सिर धड़की बाजी है, तूने ले छोड़ो दरबार रे। एक बार हमारा हो जा, यहाँ से उठाकर दरबार में ले जाकर छोड़ देंगे, मेरे को भी मेरे सदगुरु यहाँ आए उठाने के लिए, उस दरबार का दरबारी बना दिया। तो सदगुरु ने इस तरह से समझाते थे ताकि इनके हंस आत्माओं के लगन लगे कि हमारा कोई और देश है और हमने वहाँ जाना है। ये जो हार्ड मास के पिंड दिखाई दिखते हैं, ये पांच तत्वों का पुतला है, ये यहीं मिला था यहीं बिछड़ जाएगा, माटी में माटी, पवन में पवन, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में आकाश। ये माया जनित रचना है, लेकिन माया से परे एक परमात्मा की नगरी है, वहाँ तो सूक्ष्म आत्मा ही पहुँच पाती, सथुल नहीं पहुँच पाएंगे। हमें दिखते हैं कि संत तो हमारे जिसे हैं, लेकिन वो तो सूक्ष्म साधना में बैठे हुए हैं। सदगुरु भूरे वाले जी महाराज एक बार लुधियाना गए हुए थे, रमते राम थे, और जहाँ जाते सब हंस आत्माएं सदगुरु को घेर के बैठ जाती सत्संग सुनते। तो एक दिन शाम का समय था और सब हंस आत्माओं को सदगुरु उपदेश कर रहे थे। उन्होंने सोचा अब सदगुरु थोड़े से बुजुर्ग होने लगे हैं और ऐसा नज़ारा है, यादगिरी के लिए सदगुरु का फोटो ले लेते हैं। उन्होंने एक फोटोग्राफर को बुला लिया, जैसे ये बैठे फोटोग्राफर, कहने लगे भाई सारे भगत बैठे हैं, सदगुरु का फोटो ले लो, हम सब अपने घरों में लगाया करेंगे यादगिरी रहे। तो कैमरामैन आया
और सदगुरु का फोटो खींचा, देखा तो उसमें फोटो ही नहीं आया, खाली रील। उसने सोचा भूल होगी, फिर फोटो खींचा, सदगुरु बुरी वाले का फिर नहीं आया। फिर उसने सोची भी बात क्या है, मैं खींच रहा हूँ, सब कुछ सिस्टम मैंने सेट कर दिया, जब कई बार इस तरह नहीं आया तो कैमरा मैन का नाम कहने लगा, बीच में फोटो ही नहीं आ रहा, मैं तो दुनिया के तारों पर इनका नहीं आ रहा। सतगुरु सारी लीला कर ही रहे थे, समझ रहे थे, तो फोटोग्राफर और वो सारे कहने लगे कैमरा मैन, सतगुरु हम आपका फोटो उतारना चाह रहे हैं पर आ नहीं रहा कैमरे में। कहने लगे भाई शरीर होता अब, कहने लगे जी शरीर तो दिखाई दे रहे। कहने लगे भाई सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, हम साधना में होते हैं, वो तेरे कैमरे में नहीं आएगा। कहने लगे जी कृपया करो, दंडवत बंदगी करने लगे कि हम आपको कैसे याद करेंगे फिर। कहने लगे अच्छा चलो अब खींचो, इब आएगा, सतगुरु ने आज्ञा दी, पर धुंधला आएगा क्योंकि मेरा स्थूल शरीर नहीं जो तुम्हें आंखों से दिखाई देता, तुम्हारी आंखें स्थूल है। फिर कैमरा मैन ने फोटो खींचा तो आया धुंधला आया, उसी फोटो को देखकर फिर सदगुरु भूरे वाले के स्वरूप बनाए गए हैं, ये ओरिजिनल फोटो से है, वो धुंधला था इसमें सफाई की गई। तो इसलिए जो ऐसी सिद्ध आत्माएं होती हैं, हमें चलती फिरती हमारे जैसी लगती हैं, लेकिन ये तो सतलोक की आत्माएं होती हैं। आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी नगरी, आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी नगरी, दिखाऊं तने गुरु नगरी, दिखाऊं तने गुरु नगरी, आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी नगरी, आजा समझ नगरिया की दिखाऊं तूने हरी नगरी, दिखाऊं तूने गुरु नगरी, दिखाऊं तूने गुरु नगरी, आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी नगरी, हेली लग जान हेली तेरे पिया बस सतलो मिलो मारी हेली सजनी, तेरे पिया बस सतलोक मिलो मारी हेली तेरे भाई, आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी नगरी, आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने गुरु नगरी, लग जाना ओ घट घाट छोड़ चलो अवधपुरी, हेली लग जाना ओ घट घाट छोड़ चलो अवध, तने विक्रम बोया मेरी जान गुमान मैं तो भरी पड़ी, तूने विक्रम बोया मेरी समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी नगरी, आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने गुरु नगरी, हेली फिर काल कहा जा पृथ्वी जाए सचली, हेली फिर काल कहा चली, तेरा अंश बटे उलो चले घर ना एक घड़ी, तेरा अंश बटे उरे लोग चले घर ना एक घड़ी, आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी नगरी, आजा समझ नगरी दिखाऊं तूने गुरु नगरी, हेली छोड़ा बबलिया का देश सासरे ने सूरत करी, हेली छोड़ा बबलिया का देश
सासरे न सूरत ई तन देखन गरिया के लो ओ कुटमन तो छोड़ के चली तूने देखन गरिया के लो कुटम न तू छोड़ के चली आजा अगन नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी नगरिया जा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने गुरु न ये ली गई पिया के है मैल निर्गुण से जब छीली गई पिया के है दे निर्गुण तेरा हरि से मिलन कैसे होए गुरु के बिना ऐब की भरी तेरा हरि से मिलन कैसे होए गुरु के बिना ऐब की भरी आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरि नगरिया जा समझ नगरिया की सैल तूने गुरु नगरिया बांधो धर्म की पाल पाप से तो दूर खड़ी हेली बांधो धर्म की पाल पाप से तो दूर खड़ी तेरे सभी ऐब मिट जाए शरम न तू फूक दे परी तेरे सभी ऐब आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी नगरिया जा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने ये ली बन जा रे का मीत बालद तारी जाए सब ये ली बन जा रे बालद थारी जाए सब मारे सतगुरु बने महलाए लगावे गुरु ज्ञान की बल्ली मारे सतगुरु बने महलाए लगावे गुरु ज्ञान की बल्ली आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी नगरिया जा समझ नगरिया दिखाऊं तूने गुरु नगर ये ली गुरु मिल गए नाथ गुला अब संगत कर मारी काया सुधरी हेली गुरु मिल गए नाथ गुला अब संगत कर मारी काया सुधरी गुण गावे पानी नाथ भजन से मारी नाव डोरी गुण गावे है पानी नाथ भजन से मारी नाव डोरी आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं तूने हरी न घर से चलो ना जो सत्संग में नहीं जाते कह दिया करो चलो अपने गुरु की नगरी दिखा के लाऊंगी किस किस संतों का दर्शन होगा सैल करा के लाऊंगी फिर आएंगी देखेंगी कुछ समय तो लगेगा हाँ अच्छा है आया करूंगी फिर भूल जाएंगी फिर वहाँ ठोकर लगेगी फिर कहना क्यों फिर फंस गई चल मेरे गुरु की नगरी में लेकर आया करो एक कीचड़ में गाय फंसी हो ना इसी प्रकार उसको निकाल दो वही पुण्य एक आत्मा संसार में फंसी है संतों से जोड़ दो वही पुण्य मिलेगा आजा समझ नगरिया की सै दिखाऊं तूने गुरु नगरी आजा समझ नगरिया की सैल दिखाऊं समझ
दरिया की सैल दिखाओ तूने गुरु नगरी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम सत्साई।